श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा प्रयास रहा है कि धर्म, संस्कृति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें और जो आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करें वो जानकारियां आप तक पहुंचाया जाए। आज तक करीब करीब 3 से 4 हज़ार प्रोग्राम टीवी चैनल्स के लिए मैंने किया है, विभिन्न टीवी चैनल्स के लिए किया है। आप बहुत सारे डिबेट इत्यादि मुझे देखते रहते हैं, लेकिन हमारे कुछ जो मित्रगण हैं, जो हमारे कुछ दर्शक हैं, वो सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड हैं, टीवी चैनल देखने का समय नहीं मिलता है आप लोगों को। तो ऐसे कंडीशन में मेरा प्रयास रहता है कि आपको वो जानकारी दी जाए जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी अच्छी प्राप्त कर सकें। तो हमने नक्षत्र सीरीज़ अभी स्टार्ट किया है, नक्षत्र को लेकर के बहुत सारी वीडियो हम ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। आज जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आपके लिए हमारा जो रोहिणी नक्षत्र है, इसके जातक के बारे में जो जानकारी है कि इस नक्षत्र के अंतर्गत क्या क्या कार्य करना चाहिए और इस नक्षत्र से जुड़े जो लोग हैं उनको किस प्रोफेशन को अपनाना चाहिए, ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है या आपके परिवार के किसी सदस्य का जन्म रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी। तो रोहिणी नक्षत्र के देवता कौन है? ब्रह्मा जी इसके देवता हैं और यह एक शुभ नक्षत्र माना जाता है। ब्रह्मा जी देवता होने के कारण अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए मेडिकल से संबंधित जो प्रोफेशन है वो लाभप्रद हो सकता है। यानी आप डॉक्टर बने और डॉक्टरी में भी सर्जन बने, सर्जन बनेंगे तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। जो लोग जज इत्यादि बनना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो जुडिशरी से संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत भी आपको जाना बड़ा फायदेमंद हो सकता है। आपके लिए ये प्रोफेशन बड़ा लाभप्रद होगा। ऐसे कंडीशन में जो जैसे घर किसी को बनाना है तो रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत प्रारंभ करना बहुत फायदेमंद है। मंदिर बनाना है तो रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। छत इत्यादि का डलाना, किसी घर को बनाना स्टार्ट करना, किसी कॉलोनी इत्यादि का उद्घाटन करना, उसको बनाना स्टार्ट करना आपके लिए बहुत लाभप्रद होता है। किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य यदि आपको करना है तो रोहिणी नक्षत्र उसके लिए सबसे उपयुक्त है। आप पायलट बनना चाहते हैं, आपका रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है तो आप इस प्रोफेशन को अपनाएं, आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। नया हवाई जहाज अगर तैयार किया गया है और उसको उड़ान भरवाना है फर्स्ट टाइम, तो ऐसे कंडीशन में रोहिणी नक्षत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इष्ट भी कार्य के लिए बड़ा फायदेमंद है। तो ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको आप अपना सकते हैं। जिन जातकों का रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है वो इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं और अपने जीवन को लाभ पहुंचा सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.manasjyotish.com करके, उस पर भी आप विजिट करके बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें।